कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के विरोध में डॉक्टरों की 24 घंटे की हड़ताल आज यानी शनिवार से शुरू हो गई है। भारतीय चिकित्सा संघ की तरफ से इसका आह्वान किया गया है। आइए जानते हैं इस हड़ताल के दौरान कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। IMA का कहना है कि हड़ताल के दौरान कोई रेगुलर OPD इलेक्टिव सर्जरी नहीं होगी। 24 घंटे तक चलने वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी सेवाएं जारी रहेंगी और घायलों की देखभाल की जाएगी। आपको बता दें कि IMA ने इस घटना को लेकर डॉक्टरों के 24 घंटे के हड़ताल पर जाने की घोषणा के साथ ही 5 मांगे भी रखी हैं। इसमें मेनली रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की कंडीशन में बदलाव और वर्कप्लेस पर हेल्थ प्रोफेशनल्स के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए एक सेंट्रल लॉ बनाने की मांग शामिल है। बता दें कि घटना के विरोध में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सैकड़ों डॉक्टरों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने विरोध में मार्च निकाला। घटना को लेकर इंदौर के डॉक्टरों में भी गुस्सा दिखा। यहां भी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने शुक्रवार रात को कैंडल मार्च निकाला। देश के सभी राज्यों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर्स की मांगें पूरी होंगी? कमेंट करके जरूर बताएं।